नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बिहार लाइब्रेरी बहाली 2024 की। जी हाँ दोस्तों, बिहार लाइब्रेरी बहाली काफ़ी लंबे समय से बिहार के बेरोज़गार लाइब्रेरी अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको बिहार लाइब्रेरियन आते ही हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री लाइब्रेरियन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। बात करें बिहार में तो बार बार बिहार के जो अभ्यर्थी है, बिहार की जो एसोसिएशन है लाइब्रेरी की, वो लगातार मांग कर रही है बिहार में लाइब्रेरी बहाली की, लेकिन सरकार है वो अभी तक इसको क्या है, बिहार लाइब्रेरी बहाली है वो निकालने में सफल नहीं हुई, न ही उनके द्वारा कोई जो प्रयास है वो इस तरफ किए गए हैं। तो बिहार लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें बात करेंगे टोटल पोस्ट की योग्यता क्या रहेगी। बड़ी खुशखबरी भी है आपके लिए, बिहार लाइब्रेरी वालों के लिए खुशखबरी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो बिहार लाइब्रेरी में लगातार इस लाइब्रेरी बहाली के चक्कर में अभ्यर्थी है डिप्लोमा डिग्री लाइब्रेरी की कर रहे हैं और 5-6 लाख अभ्यर्थी क्या है बेरोज़गार बैठे हैं, जिन्होंने जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में क्या है जो डिप्लोमा या फिर जो डिग्री है वो प्राप्त कर ली है। अब बात करें टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, तो टोटल 7000 प्लस जो पोस्टें हैं आपकी वो लाइब्रेरी की होगी। लाइब्रेरी के इतिहास में जब भी बिहार में लाइब्रेरी की बहाली होगी तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आपकी आने वाली है, 7000 प्लस पोस्टें, क्योंकि जहां पर भी लाइब्रेरी की बात करें पोस्टों की बात करें तो 500-700 इस प्रकार की पोस्टें आपको अन्य जो स्टेट हैं उनमें देखने को मिलती है। लगातार उनमें बहाली भी हो रही है और बिहार में क्या है लंबे समय से बहाली नहीं हुई है और काफ़ी जो लगभग सभी जो पोस्टें हैं वो लाइब्रेरी की क्या है वर्तमान में रिक्त हैं। इसी कारण क्या है 7000 प्लस जो पोस्ट है वो आपकी बिहार में लाइब्रेरी के क्षेत्र में आएगी। इसके बाद हम बात करें योग्यता, तो योग्यता आप सभी को पता है वही रहेगी, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट लिया है डीलिव वाले और बीलिव वाले, यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट है, ये आपकी क्या है योग्यता रहेगी, यानी ये सभी इसके लिए क्या होंगे एलिजिबल होंगे। इसमें भी आपकी साथ में क्या है 12th पास कर सकते हैं, 12th पास वाले ग्रेजुएशन, 12th पास ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने डिप्लोमा किया है सर्टिफिकेट लिया है वो मान्य होंगे। इसके बाद जो 12th पास हैं और जिन्होंने क्या है लाइब्रेरी साइंस में डिग्री की है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस बीलिब कह लें या BLIS, ये कोर्स जिनके द्वारा किए गए हैं वो बिहार में आने वाली लाइब्रेरी भर्ती के लिए योग्य होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन्होंने जो भी डिप्लोमा किया है वो सभी क्या है इस लाइब्रेरी बहाली जब भी होगी, ये 7000 पोस्टें जब भी आएगी इन सभी के लिए, ये सभी जो डीलिव वाले हैं, सीलिव वाले हैं, बीलिव वाले हैं, ये सभी क्या है भी एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। बिहार में लाइब्रेरी बहाली के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी की बात करें तो खुशखबरी आपके लिए अभी तक यही है कि लगातार आपकी जो लाइब्रेरी बहाली है वो सरकार के अंदर चर्चा का विषय है। हालांकि जो आपकी लाइब्रेरी की बहाली है वो अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है, लेकिन लगातार इसके जो मंत्री हैं, जो विधायक है, वो इस बारे में अभी क्या है जो प्रयास है वो करने में लगे हैं, चर्चाएं लगातार जारी है आपकी और जल्दी आपको बिहार में क्या है लाइब्रेरी की बहाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेरोजगारों द्वारा, इसके अलावा जो बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन है
बेरोज़गारों की लाइब्रेरियन एसोसिएशन है, उसके द्वारा भी क्या है जो पटना में बड़ा आंदोलन किया गया था उसका भी क्या है असर है वो काफ़ी हुआ है। पिछले दिनों में जो आपकी बिहार लाइब्रेरियन की बहाली है, विधानसभा में भी ये प्रश्न उठ चुका है आपका लाइब्रेरियन बहाली का, इससे पहले भी उठा था लेकिन इस बार भी उठा है। और आपको क्या है लगातार जो ये चर्चा है आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन की चर्चा का जो विषय बना हुआ है, इसी कारण क्या है आपको बिहार में जल्द ही लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी में जारी रखें क्योंकि जब भी बहाली आएगी तो हो सकता है आपको इस बहाली के लिए जो समय है वो कम दिया जाए, क्योंकि जल्दी से जो नोटिफिकेशन है वो निकाल देगी सरकार और उसके बाद जो भी आपकी 7000 प्लस पोस्टें होगी उनका जो एग्ज़ाम है वो आयोजित करवा देगी। तो आप अपनी जो तैयारी है वो इस बिहार लाइब्रेरियन के लिए जारी रखें। 7000 पोस्टें जब भी आएंगी तो बहुत बड़ी भर्ती आपकी लाइब्रेरियन की है। और बिहार में क्या है जो स्टूडेंट है लाइब्रेरियन के क्षेत्र में वो भी क्या है 5 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी है लाइब्रेरियन के क्षेत्र में, क्योंकि जब भी इसकी चर्चाएं होती है तो लगातार स्टूडेंट क्या है जो डिप्लोमा है डिग्री है वो कर लेते हैं लेकिन बहाली क्या है सरकार द्वारा नहीं की गई है। तो आपको भी अभी क्या है जो अपने ठोस कदम है वो उठाने चाहिए, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उनको एक मजबूत जो आपका रूप है वो देना चाहिए। आपकी जो बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर आपको एक तरफ से जो आंदोलन है या फिर जो आपकी ट्विटर है एक्स है जो आपका उसका भी आपको क्या है साथ लेना चाहिए। काफ़ी बार हमारे द्वारा आपको कहा गया है कि आप जो ट्विटर है एक्स है उसका साथ लें और अपनी बहाली है बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2024 इस टॉपिक के साथ जो ट्विटर ट्रेंड है वो अवश्य कराएं, क्योंकि ट्विटर ट्रेंड का भी बहुत ज़्यादा असर है वो भर्तियों पर देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान में कोई भी जो भर्ती है वो इस प्रकार से उलझ जाती है तो उसके लिए ट्विटर ट्रेंड है वो अभ्यर्थियों द्वारा लगातार करवाया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार को क्या है चेतना पड़ता है और उनकी जो वैकेंसी है वो निकालनी पड़ती है या उसमें जो भी अभ्यर्थी मांग करते हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी सरकार को पड़ती है। तो ये भी एक माध्यम है, आप अपनी आवाज़ है वो ट्विटर के माध्यम से एक्स के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। टॉपिक आप एक ढूंढ ले और सभी एक ही दिनांक एक ही समय पर क्या है ट्विटर पर ये टॉपिक ट्रेंड जरूर करवाएं। लगातार हम आपको बोल रहे हैं आप अपनी जो बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके माध्यम से भी संपर्क करें कि ये टॉपिक हमें ट्रेंड करवाना है और लगातार ये टॉपिक आप जरूर ट्रेंड करवाएं, जिससे कि आपकी सरकार को क्या है ये जो आपकी बिहार लाइब्रेरी बहाली है वो करने के लिए मजबूर हो जाएं।